और यहाँ पर समुद्र मंथन चल रहा है, एक तरफ देवतागण है और दूसरे तरफ राक्षसगण जैसे कह सकते हैं वह है, और बीच में है हमारे रस्सी का काम कर रहे हैं मंथन के रूप में शेषनाग, और बीच में ये है शिला है, पर्वत है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार दरभंगा कुशेश्वर स्थान पूर्वी के तगच्छा गांव में, और यहाँ पर आने वाले 9 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ की शुरुआत होने जा रही है। इसी सिलसिले में हम आपको यहाँ का पूरा यज्ञ स्थल दिखाने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर मंडप के आगे बैनर मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, हम आपको पढ़ के बताते हैं कि कब क्या कैसे होने वाला है। श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ कथा प्रवचन 9 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक, समय अपराह्न 1:30 बजे से, स्थान तगच्छा महादेव मंदिर कुशेश्वर स्थान पूर्वी दरभंगा, दिनांक 9/2/2023 गुरुवार से 19/2/2023 रविवार तक, दिनांक 9/2/2023 गुरुवार से कलश यात्रा शोभा यात्रा, दिनांक 18/2/2023 शिवलिंग स्थापना एवं शिव पार्वती विवाह, दिनांक 19/2/2023 पूर्णाहुति प्रातः 10 बजे से। यहाँ पर कथावाचिका के रूप में बाल विदुषी प्रेरणा किशोरी जी आए हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम से हैं, और आचार्य के रूप में महंत रामायणी श्री राम कृष्ण दास जी हैं, और इस यज्ञ का टोटल बजट 50 से 70 लाख के बीच में है। यहाँ पे संपर्क नंबर भी दिया गया है, अगर आप किसी कारणवश यहाँ पे व्यवसाय संबंधित दुकान वगैरह लगाना चाहते होंगे तो संपर्क कर सकते हैं, समिति के लोग आपको बताएंगे। सामने मंडप बना हुआ है और यज्ञ से संबंधित कार्यक्रम अंदर चल रहे हैं, हालांकि अभी मूर्ति अंदर बैठाई नहीं गई है, हो सकता है कि कल जो है मूर्तियों का अंदर लगाना शुरू हो जाए। अब चलिए आपको मुख्य द्वार से अंदर यज्ञ स्थल के अंदर लिए चलते हैं और बाकी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रंट ऑफ आप देख पाइएगा, ये जो सड़क है कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा के मध्य बन रहा है, लगभग काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, लगभग 413 करोड़ का इसका बजट है। और यहाँ पर हमारे हनुमान जी हैं, जिनका विशालकाय मूर्ति जो है मुख्य द्वार पर बना हुआ है। आप गौर फरमाइएगा, आप कहीं पर भी यज्ञ देखने जाते होंगे तो हर यज्ञ स्थल पर मुख्य द्वार पर आपको महादेव यानी बालाजी का जो मूर्ति है आपको सामने दिख जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ये स्टेट हाईवे 56 है और इसके बाजू से दुकान लगाने का काम चल रहा है। हमें जानकारी थी कि 8 फरवरी से यज्ञ की शुरुआत हो रही है, लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे 9 फरवरी से यज्ञ की शुरुआत हो रही है। ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड वाला जो लाइटिंग की गई है, दिन में आपको ये सामान्य दिख रहा है लेकिन रात में इसकी खूबसूरती निखर कर सामने आने वाली है। और इस इलाके में देखिएगा बलवाही मिट्टी ज़्यादा मिलती है, और जिस इलाके से हम आए हैं वहाँ पे क्या है ना कि नॉर्मल मिट्टी, गोराई मिट्टी और कलई मिट्टी मिलती है, इस तरह की मिट्टी नहीं मिलती है। यहाँ पे आयसर मशीन भी लगी है बिजली के लिए, बहुत बड़ा इसका जो है पावर हाउस की तरह रहता है, इसमें बिजली संयंत्र काफ़ी मजबूत होते हैं और पूरा इलाका अकेले संभालने की क्षमता रखता है। ये समिति हॉल है यानी वेटिंग हॉल भी कह सकते हैं, जो भी यज्ञ स्थल कार्यकर्ता होंगे यानी समिति के लोग होंगे अपना जो भी कार्य होंगे यहीं पे वे अंजाम देते होंगे, और यहाँ से शुरू हो जाता है भगवान के मूर्तियों का स्थल। यहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सह ब्रह्मदेव जो है विराजमान है, मूर्ति अर्धनिर्मित है। और आगे चलिए, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ अभी बन चुकी हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ जो है अर्ध निर्मित हैं यानी अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। यहाँ भगवान भोले, मैया पार्वती, गणेश जी और कार्तिक जी हैं, और यहाँ भी देखिए कन्हैया जी अपने बांसुरी पेड़ पे चढ़ के बजा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी तस्वीर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज आपके सामने रखता हुआ प्रतीत होगा। इस तालाब को जमुना जी के तौर पर बनाया गया है और इसी तालाब में मुझे लगता है पेड़ के सहित भगवान कृष्ण का मूर्ति इसमें विराजमान होंगे आने वाले समय में। ये राधिका जी की सहेलियां सब हैं जो कि उनमें विराजमान होंगी, और विशेष हमें भी ज्ञान नहीं है, जितना हमें समझ में आ रहा है हम आपके साथ शेयर करते हुए चलते हैं। यहाँ हमारे गणेश जी हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भगवान विष्णु मत्स्य रूप में है, आधा इंसान और आधा मछली के रूप में, और यहाँ पर समुद्र मंथन चल रहा है, एक तरफ देवतागण है और दूसरे तरफ राक्षसगण जैसे कह सकते हैं वह है, और बीच में है हमारे रस्सी का काम कर रहे हैं मंथन के रूप में शेषनाग, और बीच में ये है शिला है, पर्वत है, मुंद्रिका चल पहाड़, जिससे मंथन के दौरान बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जी जी,
हमें उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है आप हमारे साथ बने रहिए, आप भी हमें बताइए, हम अगर कहीं पे त्रुटि होगी आप हमें समझा दीजिए। यहाँ पर भगवान विष्णु ही हैं जो कि कछुआ पे सवार हैं, यहाँ पे भगवान भोले हैं और यहाँ पे भी भगवान भोले हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप बताएंगे किस तरह भगवान भोले मैया सती को ऊपर लिए हुए हैं। जी बताइए, मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उस समय ये अपना आपा के एक तरह से खो बैठे थे और पूरा ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया था कि चक्र से उनके अंग को काटना शुरू किया था, और जहां जहां पे वे अंग गिरा था वह शक्ति पीठ के रूप में अभी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी भगवान भोले ही हैं। हाँ, यहाँ पर भगवान भोले और मैया पार्वती का विवाह से संबंधित दृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे श्रवण कुमार हैं जो अपने माता पिता को तीर्थ स्थल तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, मोरध्वज कामरध्वज जी, रानी पिंकला जो आराध्य भगवान को जांच करने के लिए ना, जी जी, तो उनका जो आराध्य अपना पुत्र के बीच है जी, आड़ी मस्तक चला कर को ब्रह्मा विष्णु को। अच्छा, समझ गए आप जो कह रहे थे, हमने दृश्य देखे हुए लेकिन याद नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जितने भी भगवान हैं प्रिंट करने के लिए प्रेशर वाला पेंटर है, ये पेंटर है ना, पेंटिंग मशीन है ये। यहाँ पे मैया सरस्वती हैं जो कि हंस पे सवार हैं, क्या है कि पूरी तरह से अभी रंगा नहीं किया है तो हमें उस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है चीज़ें। और यहाँ पर मुनिजन है जो यज्ञ करने का जो दृश्य है वह दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए राक्षस है और राम लक्ष्मण और ये ऋषि विश्वामित्र हैं, तारिका है, पहला राक्षस वध राम भगवान ने इसी का किया था। जी जी, पूरी तरह से समझ में आ जाता है, रामायण देखे हुए हैं समझ में आ जाता है। यहाँ पे देखिए अश्वमेघ यज्ञ के दौरान जो है लव और कुश भगवान राम के अश्वमेघ घोड़ा को पकड़ लिए थे, ये उसका दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे भगवान बुद्ध हैं, उसका दृश्य दिखाया गया है। ये है पूतना जो कृष्ण भगवान हैं उनके वृक्ष पर हैं और दूध का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह जहर लगाई हुई थी और अंत में पूतना का ही वध हो जाता है, उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर एक बार फिर से भगवान राम लक्ष्मण और बहुत सारी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही। यहाँ भगवान राम जो है समुद्र किनारे भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में कर रहे हैं, यहाँ हनुमान जी है जो कि शिला पर भगवान का नाम जो है राम लिखने का काम कर रहे हैं, ये हनुमान जी है, यह बंदर जन है जो कि समुद्र पे बांध यानी जो पथवे है कह सकते हैं वह बनाने का काम कर रहे हैं। ये समुद्र पे बन रहा है पत्थर के जरिए बांध लंका तक जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए हिरण्यकश्यप जो है, यहाँ भगवान विष्णु जो है कश्यप का पेट फाड़ने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते बाबू साहब थोड़ा साइड हो जाइए, यहाँ पे देखिए नदी किनारे जो मगरमच्छ है हाथी का पाँव दबाए हुए हैं और भगवान विष्णु जो है इस चीज़ को मतलब इन्हें रक्षा प्रदान करने के लिए आकाश से परिवर्तित जमीन पर आ रहे हैं, इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंदी पे भगवान सवार हैं और यहाँ पे भोले बाबा को अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन चीज़ें देखकर आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, मार्कंडेय जी, जी, पाँच दिन की उम्र थी जी, काल लेने के लिए आया था इनको। जी, जी, भगवान शिव के शरण में आकर के मार्कंडेय जी का अमर हो गया जी। जी जी, पाँच दिन की आई थी, भीष्म पितामह जी जी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भगवान भोले हैं और यहाँ पर भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के दौरान जो उनको अर्जुन के द्वारा वान मारे गए थे वह चीज़ है, हालांकि तीर लगने के बाद भी वह जिंदा अवस्था में थे, उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। और यह अर्जुन हो सकते हैं और यहाँ पे यज्ञ से संबंधित कार्यक्रम हो रहे होंगे, यहाँ पर मुनि को दर्शाया गया है, हालाँकि चित्र अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिससे हम अनभिज्ञ हैं और हम चीज़ों को स्पष्ट तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, जो भी चीज़ें दिख रही हैं आप देख के उस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस चीज़ को दिखाया गया है, रोहित कुमार है, जी जी, रामचंद्र का पुत्र, जी जी, ये कलयुग को दिखाया गया है, कलयुग से संबंधित चीज़ें दिखाई गई हैं, ये कलयुग से कलयुग है, जी जी बिल्कुल, ये यहाँ से वहाँ तक आप देख पा रहे हैं, कलयुग में जो जीवन यापन के दौरान इंसान जिस तरह का कायाकल्प पलट रहा है उस चीज़ को दिखाया गया है। और बस यहीं तक मूर्तियाँ थी, अब बाकी चीज़ें हम आपको दिखाने का, ये शराबी कुत्ता उसके मुंह में जो है मूत्र त्याग कर रहा है, जी बिल्कुल, शराबियों का क्या हाल होता है ये यहाँ पे दिखाया गया कोरे के समान।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जो स्टॉल लगे हुए हैं उससे रूबरू करवाते हैं, फिर हम बाकी चीज़ आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे स्टॉल की संख्या भी बहुत कम है, वहाँ पे स्टॉल लगाने का काम यानी दुकान लगाने का काम चल रहा है, और भागवत कथा का जो जगह था वहाँ पीछे था वहाँ पे भी आपको लिए चलेंगे, और बाकी स्टॉल का एरिया ये भी है। हालांकि यहाँ स्टॉल के लिए जगह पर्याप्त है, लेकिन अभी समय है तो अभी उतना चीज़ें हमें हमारे सामने आ नहीं पा रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट आप देख पा रहे हैं यानी फास्ट फूड से संबंधित, जैसे कि आप आए नाश्ता वगैरह करने के लिए पर्याप्त जगह यहाँ पे है। देखिए इस स्टॉल का नाम है प्रेम मिष्ठान भंडार, भंडार हनुमान चौक गोलमा कुशेश्वर स्थान दरभंगा। मुझे लगता है ये इकलौता रेस्टोरेंट है जो अभी तक सबसे बड़े एरिया में बना हुआ है, और ये है सबसे बड़े एरिया में भागवत कथा स्थल। चलिए, और जो भी चीज़ें थी हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया, जितना तक हो सका हमने कोशिश किया कि आपके सामने चीज़ें रखी जाए। हो सकता है कि हमने बहुत सारे जगहों पर गलतियां की होंगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप उधर देख पा रहे हैं जो कथावाचक हैं उन्हीं में वे लोग शामिल हैं। हम चाहेंगे कि अगर आप तगच्छा के आसपास उसरी उजवा अर्थुआ जितने भी गांव हैं, अगर उस गांव से रहते हैं कभी भी अगर आपको यहां पे आना हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने गांव का नाम और आपकी क्या राय है यहां के बारे में और हमारे वीडियो बनाने के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग इकलौते होंगे जो इतने दूर लगभग 40-50 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एक प्यारा सा सहानुभूति के तौर पर लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, और विशेष क्या बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।